शाहरुख खान की अगली फिल्म का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्मों को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी भी शाहरुख खान ने किसी भी फिल्म को हरी झंडी नहीं दी है। शाहरुख खान की पिछली रिलीज फिल्म थी जीरो, जिसे साल 2018 के क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद शाहरुख खान को एक बड़ा झटका लगा। यह झटका आज भी बरकरार है। शाहरुख खान ने अभी तक किसी फिल्म को फाइनल नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर से शाहरुख खान की फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म को लेकर लंबा इंतजार उनके फैंस कर, लेकिन उनको थोड़ी राहत तब मिली थी जब राजकुमार हिरानी ने फिल्म को लेकर बादशाह खान का नाम सामने आया था। पता चला था कि वो राजकुमार हिरानी के साथ अगली फिल्म में धमाका करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान ने यह सोच लिया था कि वो अब तभी किसी फिल्म के लिए हामी भरेंगे जब उनको अच्छी स्क्रिप्ट और शानदार निर्देशक मिलेगा, लेकिन लगता है कि शाहरुख खान की ये मुराद पूरी हो गई है। इस समय जो खबर सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म एक रियल स्टोरी पर निर्भर होने वाली है और वो कहानी होने वाला है मुजफ्फरपुर का मशहूर शेल्टर होम केस। जी हाँ, खबरों की माने तो शाहरुख खान की फिल्म इसी पर डिपेंड होगी और एक रियल कहानी में शाहरुख खान बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। वेल दोस्तों, देखना वाकई दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान इस फिल्म को लेकर कब फ्लोर पर आते हैं और उनकी इस फिल्म को लेकर कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। अगर आप भी शाहरुख खान के अगर फैन हैं, तो कमेंट कर अपना सुझाव बताइए कि शाहरुख खान की आप फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।